चा हम साया से माँ का साहब से। प्रिंसिपल साहब, सबसे पहले आपको आज गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको शुक्रिया, शुक्रिया आपको भी बहुत। अभी हमने देखा यहाँ पे कि बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से तिरंगे झंडे को फहराया। 26 जनवरी उन्होंने बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया और राष्ट्रगान भी उन्होंने गाया। और बात करते हैं प्रिंसिपल साहब से। प्रिंसिपल साहब, आप ये बताइए कि आपके मदरसे में कितने बच्चे हैं? यहाँ पर तकरीबन 450 बच्चे हैं, जो हॉस्टल में भी कुछ बच्चे रहते हैं और कुछ बाहर से पढ़ने आते हैं। और कितने टीचर हैं? टीचर सरकारी स्टाफ जो है 15 है, दो आधुनिक टीचर हैं और तकरीबन 4 जो है प्राइवेट स्टाफ हैं। और आधुनिक शिक्षा जो आप लोग मुहैया करा रहे हैं बच्चों को, कंप्यूटर वगैरह उसमें शामिल है? जी जी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह सभी चीज़ों की तालीम दी जाती है जी, और साथ में कंप्यूटर भी है। आपको बता दें हम कि यह मदरसा दारुल उलूम अफजलुल मदारिस, यह एक सहायता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश सरकार का सहायता प्राप्त मदरसा है। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब और यहाँ का मैनेजमेंट मिल करके आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो धार्मिक शिक्षा है उसको भी जो है यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं, और बच्चे बखूबी आधुनिक शिक्षा हासिल करके अगर वो चाहें जिस सेक्टर में चाहे उस सेक्टर में कार्य कर सकते हैं, और धार्मिक शिक्षा हासिल करके वो चाहें तो जो धार्मिक कार्य है उसमें भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये बताने का हमें प्रयास कर बताइए कि अभी जो मदरसों पे एक आरोप लगा है कि मदरसों में देशभक्ति नहीं सिखाई जाती है, मदरसों के बच्चे देशभक्ति गीत नहीं गाते हैं, तो क्या ये आरोप सही है या गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, और इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जिनको तारीख का इल्म नहीं है जी। वरना अगर आप तारीख उठा करके देखें तो अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद के जो फतवे निकले थे वो मदरसों से निकले थे, और अल्लामा फजल हक खैराबादी का नाम कौन नहीं जानता, अजीम मुजाहिदीन आज़ादी में से एक थे, उन्होंने ही सबसे पहले फतवा दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद, और वो कहाँ से बुलाते, मदरसों से। तो ये आजकल जो लोग बयान दे रहे हैं ये तारीख से बिल्कुल इनको कोई इल्म नहीं है, और ये सिर्फ चापलूसी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, इनको कह लीजिए किराए वाले बयान। किराए वाले बयान, एक पॉइंट बहुत बढ़िया इन्होंने रखा प्रिंसिपल साहब ने, किराए वाले बयान, यानी ये जो पॉलिटिशियन है, जो जैसे वसीम रजवी जैसे लोग या बहुत से ऐसे लोग हैं आए दिन लगातार मदरसों पे ऐसे आरोप लगाते रहे हैं कि मदरसों में, अभी जैसे वसीम रजवी की एक चिट्ठी वायरल हुई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, नहीं मदरसों से ISIS के एजेंट निकलेंगे, ISIS के दहशतगर्द निकलेंगे, ISIS जैसे संगठन और भी आतंकवादी संगठनों में जो उसके काडर है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो वसीम रजवी के बयान पर मौलाना साहब आपका क्या कहना है? जी वही हमने बताया ना, वसीम रिजवी साहब जो हैं ये भ्रष्टाचार में इतना ज़्यादा लिप्त हैं कि ये इस तरह के ऊट पटांग बयान दे के सोचते हैं कि मेरी जांच ना हो, इसी वजह से। और एक तो आजकल एक नया ट्रेंड निकला है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल के अपने आप को मशहूर कर लो, फेमस कर लो। दूसरी वजह कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मदरसों को आपने बंद नहीं किया तो आने वाले समय में ISIS जैसे आतंकवादी संगठन के जो जो इनकी तादाद है बढ़ती चली जाएगी, इसलिए मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिन लोगों ने इस तरह की बात की है, आप जरा अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद मजाहिद हुसैन रजी दारुल इफ्ता का यहाँ सदर हूँ और यहाँ टीचर भी हूँ। जिन लोगों ने मदरसों के ताल्लुक से इस तरह की बात की है या बयान दिया है कि यहाँ से IS पैदा हो सकते हैं, उनको मदरसों की तारीख का ABC भी नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो वह समझते कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में मदारिस से तालीम याफ्ता न जाने कितने उलमा कुर्बान हुए हैं देश की आज़ादी पर। तो मदारिस IS जैसे दहशतगर्द तंजीम नहीं पैदा करते, बल्कि मुल्क की वफादारी करते हुए मुल्क की आज़ादी, मुल्क की तरक्की के लिए जान देने वाले अफराद को करते हैं जी। मौलाना साहब, हमारा दूसरा सवाल यह है कि जैसा कि आपने बताया कि मदरसों से ही
चाहे वो जंग आज़ादी हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, या चाहे 1947 की लड़ाई हो आज़ादी की, वहाँ से लेकर 1947 तक ही नहीं बल्कि अभी तक बहुत से साइंसदान हम मदरसों से निकले हैं, बहुत से संगीतकार मदरसों से निकले हैं, बहुत से ऐसे हुनरमंद लोग हैं जो मदरसों से निकले हैं, लेकिन वसीम रिजवी आए दिन मुसलमानों खिलाफ या मदरसों खिलाफ आए दिन ऐसे ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको उन्हीं की भाषा में अगर आप जवाब दे सके तो बेहतर होगा। देखिए, अब हम लोग उनकी भाषा में जवाब नहीं दे सकते, ऐसे ज़मीर फरोश लोग, ईमान फरोश लोग जो हुकूमत का आलाय कार बनकर इस्लामी नाम रखकर खुद इस्लाम को, मुसलमानों को, इस्लामी तालीमात के जो गहवारे हैं, मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दे रहे हैं, उनको हम क्या उनके भाषा में जवाब देंगे। अच्छा मौलाना साहब, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि लोग ये आरोप लगाते हैं आमतौर से मुसलमानों पे या मुसलमानों पे कि मुसलमान सच्चे देशभक्त नहीं होते, या मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाते इसलिए वो देशभक्त नहीं होते, क्योंकि हर मुसलमान मादरे वतन तो कहता है, मातृ सलाम तो कहता है, तो क्या देशभक्ति का पैमाना वंदे मातरम को कह करके या गा करके ही दिखाया जा सकता है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, देशभक्ति का पैमाना वंदे मातरम न तो हिंदुस्तान के आईन में है और न ही ऐसे अक्ल से समझ में आती है। मुसलमान सिर्फ एक खुदाए वहदहू ला शरीक की पूजा करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, वतन की धरती की पूजा नहीं करता, किसी चीज़ की खुदा के सिवा पूजा नहीं करता, तो वतन की धरती की भी पूजा नहीं करता, लेकिन वतन का वफादार है, वतन से मोहब्बत करता है। हम अल्लाह के अलावा किसी से मोहब्बत तो कर सकते हैं, इबादत नहीं कर सकते। जी, तो हमारे साथ उल्लाह साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी। उन्होंने कहा कि हम इबादत करते हैं सिर्फ ईश्वर की, अल्लाह की, उसके अलावा किसी और की नहीं, लेकिन हम मोहब्बत जैसे जैसे एक बेटा अपने माँ से मोहब्बत करता है, जैसे एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, उसी तरीके से उन्होंने कहा, इनके कहने का मतलब यह था कि वैसे ही हम इस सरजमीन हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, वक्त आने पे हिंदुस्तान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, सबसे पहले जब भी मुसीबत आएगी हमेशा मदरसों के बच्चे, मदरसों में पढ़े हुए लोग सबसे पहले आगे के कतार में जान देने के लिए, गर्दन कटाने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। तो आपने देखा, आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।